नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। भाई आपको पता है पूरे वर्ल्ड में एक ही ऑप्शन है, पहले कोरोना था, फिर आप विदेश जाने वालों के लिए पीसीआर टेस्ट था, अभी है वैक्सीन। अब वैक्सीन एक इम्पोर्टेंट लाइफ का एक ऐसा भाग हो गया कि लोग लाइन में खड़े होके मजबूरी में कहीं कर भी टीके नहीं लग रहे हैं, तो सेटिंग से, जान पहचान से, या फिर मतलब बहुत कोशिशों से वैक्सीन टीके लगवा रहे हैं। जी हाँ, विदेश जाने वाले वैसे टीके लगवा रहे हैं, इंडिया में कोरोना से मरने से बचने के लिए भाई कोरोना से बचाव का एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन लगवाना। और इसी में अगर आपके साथ चीटिंग हो जाए तो भाई क्या हो सकता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आ सकती है। इंडिया के लोगों के लिए भी हम बात करेंगे, और जो लोग विदेश जा रहे हैं वो भी वैक्सीन लगवाते हैं, उनको पता, आपको सबको पता है वैक्सीन के बिना आपको किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलने वाली है। और इंडिया के चार से पाँच करोड़ लोग विदेश में रहते हैं, तो उन सब के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे कि इसमें भी धोखा हो सकता है, आपके प्रॉब्लम आ सकती है, डिटेल से बात करेंगे। लाइव एग्जाम आपको पता है बॉम्बई महाराष्ट्र में ये हुआ है, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं है भाई, रियल न्यूज है। 2000 लोगों को नकली टीके लगा दिए गए, जी हाँ, कोविड वैक्सीन के। अब 2000 लोगों में से हो सकता है कुछ लोग विदेश जाने वाले भी, हम तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे ना। अब मान लीजिए भाई वो टीके, अब 2000 लोगों को नकली टीके लगा दिए गए, उनमें गिरफ्तारी, फिर जांच में पता लगा 9 जगह नकली कैंपेन लगा दिए, कैंप लगा के इतने लोगों को टीके लगा दिया, आप समझिए। अब उसकी जांच हुई तो पता लगा 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 10 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, 9 जगह अलग अलग लगा के 2000 लोगों को टीके लगा दिए। जी हाँ, अब 500 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी उनको, या फिर कम थी, कुछ भी था, उनको वो वैक्सीन टीके लगाने ही नहीं थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके भी टीके लगा के उनको नकली सर्टिफिकेट दे दिया, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी उनकी मोहर वगैरह सब कुछ टोटल फर्जी था। अब लोगों में भय पैदा हो गया भी असली टीका कहाँ मिलेगा, नकली कहाँ मिलेगा, क्योंकि टीके में आम आदमी को नहीं पता होता कि ये टीका असली एक नकली है। आप बताओ जी, ये कितनी बड़ी एक तरह से चीटिंग की गई है लोगों के, एक भय पैदा होता है यार हमारे को नकली टीका लगा दे, कुछ भी उसमें साइड इफेक्ट हो जाए आदमी के, कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर से विदेश जाने वालों की हम बात करें तो उनके कितना दिक्कत आ सकती है भाई। एग्जाम्पल के तौर पर उस 9 कैंपों में से आप भी उसका हिस्सा होते, आपको टीका लग जाता, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता, खुश होते, भाई टीका लगा, सर्टिफिकेट मिल गया, हमें क्या चाहिए, हम तो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। एयरपोर्ट के खुदा न खास्ता उस पर जाँच हो जाती है, क्योंकि उस पर बारकोड वगैरह होते हैं, और जांच में उसकी वो शो नहीं करता है सिस्टम में, रिकॉर्ड में, कि भाई इस बंदे के टीका लगा हुआ है। 100% 420 के आरोप में आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर मुकदमा लगता, क्योंकि वो जांच का विषय तो बाद में है कि भाई टीका आपने कहाँ से लगवाया और कैसे लगा, फर्स्ट तो आपको उसी पे पकड़ लिया जाता है कि भाई आपने 420 की है धोखाधड़ी, नकली सर्टिफिकेट आपने बनाया जबकि आपके कोई टीका ही नहीं लगा, तो आपको एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस देश में आपको पकड़ा गया वहाँ से लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है, वहाँ पर आपके ऊपर मुकदमा करके आपको जेल में डाला जा सकता है, वहाँ पे आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये टीके बॉम्बे महाराष्ट्र में लगे हैं भैया, आप समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब है, टीके लगवाएं, गवर्नमेंट अथोराइज जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल जिनको बोल देते हैं, सरकारी डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल, वहीं टीके लगवाएं। प्राइवेट जो छचुंद्र टाइप के झोला छाप कहीं पर कुछ, अगर आपको लगता है कि ऐसे कैंपेन चल रहे हैं, हालांकि लोग समझदार हैं इसी जगह, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अपवाद के तौर पर ऐसा हो सकता है, तो सावधानी बरतनी ज़रूरी है, इन चीज़ों को सावधान रखिए, खास तौर से विदेश जाने वाले। इंडिया वाले तो फिर भी ठीक है, टीका लग गया उनको घर पर रहना, क्या उनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विदेश जाने वाले वो टीके अगर लगवा के वहाँ फंस जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बस ये अपडेट आप लोगों की जानकारी में लाने के लिए मैंने वीडियो बनाया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।